नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां कॉलेज कैंपस से छात्र के अपहरण की खबर मिल रही है। दिन दहाड़े अपहरण से हड़कंप मच गया। सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। अपहरण के बाद छात्र की जमकर पिटाई भी की गई। गंभीर हालत में छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है और सैदपुर हॉस्टल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हॉस्टल में पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी। बता दें कि जिस छात्र की पिटाई हुई है उसका नाम अमन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमन की पहले अपहरण की गई और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। अनुभूति के विद्यार्थियों के द्वारा अगवा कर लिया गया, उन्हें पटना कॉलेज कैंपस से सैदपुर ले जाया गया और सैदपुर ले जाने के पश्चात उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। अमन कुमार लाल के साथ बुरी तरह से मारपीट हुआ है, उनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, उनको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। उनका फर्द बयान भी ले लिया गया है और फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? पुलिस की जांच में क्या कुछ अब तक खुलासा हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटना कॉलेज प्रेस्टिजियस कॉलेज है ये, और वहां से दिन दहाड़े छात्र को अगवा कर दिया गया। अमन लाल जो है इसका नाम बताया जा रहा है, और उसको सैदपुर हॉस्टल कैंपस में ले जाया गया और कई जो नेम देखे हुए थे उनके बारे में जानकारी मिली है। बरवर्ता से पिटाई की गई है। गंभीर हालत में पुलिस ने रेस्क्यू कर हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि अपडेट ये है कि काफी संख्या में पुलिस बल जो है उन्होंने सैदपुर छात्रावास में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रेड शुरू हुआ है, जो नेम देखिए गिरफ्तारी से जो टाउन डीएसपी है, कई थानों की पुलिस से देखना होगा कैसे आगे कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, पटना कॉलेज विक्टो हॉस्टल का ये पहले छात्र रहा था और हॉस्टल के छात्रों के बीच जो विवाद हुआ था उसी का परिणाम है ये घटना, जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। देखना होगा बात होगा, फिलहाल पुलिस वेट कर रही है और कम से कम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बांका से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की खबर है। अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी तो पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी गई। बालू लदे चार ट्रैक्टर जब्त किए गए। एक बालू माफिया को गिरफ्तार किया गया तो कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी गई। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसमें एक जवान घायल हो गया है। नामजद सात बालू माफिया और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बांका थाना क्षेत्र के भदरार कुरमा घाट का ये मामला बताया जा रहा है। तो बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम बालू माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और तभी जो है पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, एक जवान जख्मी है। हालांकि नामजद सात बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भदरार कुरमा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सासाराम में यात्रियों से भरी बस पलट गई। घटना नोखा थाना क्षेत्र के पिनार के पास की है। बस में सवार एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 13 से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में दो की हालत काफी चिंताजनक है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस सासाराम से पटना आ रही थी और घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यात्री से भरी बस किस तरीके से पलट गई है और देखिए कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। किसी तरीके से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, 13 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में भी दो ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। नोखा के पिनार के पास ये हादसा हुआ। जखनी पुल से और इधर ही नोखा की ओर, वहाँ पे देखिए एक तो बस बड़ा सा पलटा हुआ है, सासाराम की ओर से आ रहा था। तो वहाँ पे देखिए बहुत लोग जख्मी था,
तो चार पांच बहुत ज़्यादा घायल ही था, तो वहाँ पे देखे लोग घायल भी था, तो हम लोग तीन को स्कॉर्पियो में बैठा कर रहे हैं। सासाराम से पटना जा रही थी बस, अचानक एक्सीडेंट कर गया है। 112 पर फोन किया, दो तीन मिनट में हम लोग पहुँच गए। बहुत हादसा की बात है, 15-20 आदमी पूरा जख्मी है, गंभीर। बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के धनछुवा गांव के पास की है। शिक्षक दारोंदा प्रखंड के ढेबर में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक भरत मांझी किसी काम को लेकर अपने घर से बाजार जा रहे थे और तभी धनछुआ पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर परिसर में संग्रहालय कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। मंदिर में बने संग्रहालय में पड़ी मूर्तियों को उठाने के लिए पहुंचे संग्रहालय कर्मियों से ग्रामीणों ने मारपीट की। मारपीट में संग्रहालय में काम करने वाले दो निजी गार्ड घायल हो गए। एक गार्ड का सर फट गया है, जबकि दूसरे गार्ड का हाथ टूट गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से मूर्तियों को संग्रहालय पहुंचाया गया। अशोक धाम प्रबंधन समिति, मंदिर प्रबंधन समिति के जो सेक्रेटरी थे, उनसे हमारी बात हुई और आज उनके ही मतलब माने सहमति से हम आए यहाँ, मूर्ति यहाँ जो था वो लेने के लिए। तो हमारा सारे लोग था, हम लोग ले रहे थे, तो ग्रामीणों ने कुछ बिंदुओं पर विरोध किया कि नहीं जाने देंगे। इसी बीच ट्रैक्टर खाली हो गया, ट्रैक्टर ले जाने के क्रम में कुछ उग्र लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया, मारपीट किया, जिसमें हमारा स्टाफ का सर फट गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही दरभंगा में राहत कार्य का जायजा भी लिया। यही नहीं, पटना पहुंचते ही सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से 7,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। बाढ़ से बेहाल बिहार के लोगों के लिए शुक्रवार शाम होते होते एक अच्छी खबर आई। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 7,000 रुपए की सहायता राशि DBT के जरिए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी। नीतीश कुमार की ओर से 4,38,529 बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में 3,06,97,03,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने लेहरिया सराय पोलो मैदान स्थित बाढ़ राहत फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा पीड़ितों के लिए, खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है, उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है, बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। पिछले 3 दिनों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बड़ा इलाका और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नवरात्र के दौरान बाढ़ से लोग परेशान हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पीड़ितों तक सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीधे खाते में 7,000 रुपए ट्रांसफर कर सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को अब इलाज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही इलाज के भाव में उनकी जान जाएगी। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की शुरुआत होते ही पीड़ित बच्चों को वेलोर रवाना किया गया है और राज्य सरकार अपने खर्च पर CMC वेलोर में पीड़ित बच्चों का मुफ्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएगी। ऊर्जा ऑडिटोरियम में CMC वेलोर और स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU भी साइन हो गया। MOU साइन होते ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 13 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, 13 डोनर और 26 अभिभावकों के साथ वेलोर रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और ACS प्रत्यय अमृत ने इस योजना को वरदान बताते हुए कहा कि बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बाल थैलेसीमिया योजना की आज से शुरुआत हो गई है। एक तरह से कहें बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि योजना की शुरुआत होने के बाद ही राज्य भर के 13 बच्चे
आज वेल्लोर के लिए रवाना हो रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ ACS प्रत्यय अमृत और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं रवानगी के वक्त मौजूद हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री इन बच्चों के साथ अभी वेल्लोर के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट तक ये बस जाएगी। बिहार की जनता की सेवा के दृष्टि से देखें तो आज स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम सब लोगों ने आज एक नई योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना। और इस योजना के तहत जो हमारे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं बिहार में, जिनकी संख्या लगभग 3000 है, ऐसे सभी बच्चों का मुफ्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट CMC वेल्लोर में ले जाके हम सब लोग कराएंगे। वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री, उनके निदेशक और उनकी पूरी टीम पटना में आई है और हम सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। और ये जो बच्चे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जैसा माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, इन सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। खुशी दिख रही है क्योंकि एक बड़ा मौका दिया है बिहार सरकार ने, क्योंकि नई जिंदगी मिलने वाली है। ED भी है राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के, जिन्होंने अभी MOU साइन किया है। क्या लग रहा है, गौरव का पल है आपके लिए? बहुत ही गौरव का पल है। 13 बच्चों का आज हम लोग करवा रहे हैं। 52 लोग डोनर के साथ और माता पिता के साथ हम लोग जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी लोगों को हम लोग इसमें करेंगे। करीब 100 बच्चों की स्क्रीनिंग और हो चुकी है। हम और भी हम लोग इसमें बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम भी कर। अभाव झेलना पड़ेगा, राज्य सरकार तैयार है और आज पहली बार टीम रवानगी हो रही है और इसके साथ साथ ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। जो भी पीड़ित बच्चे हैं उनका अब राज्य सरकार खुद खर्च उठाएगी और 15 लाख रुपए प्रति बच्चे राज्य सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि हम खर्च करेंगे। आने जाने से लेकर जो इलाज तक का खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। पटना के JDU दफ्तर में कल JDU कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी जिससे लेकर सियासत तेज हो गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बता रहे हैं JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। की बैठक है और जो 2025 का जो रणनीति है, जो विधानसभा चुनाव है, जो हमारा लक्ष्य है और बहुत सारे जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं, तो बहुत सारी चर्चा जो है रणनीति पर चर्चा की जाएगी और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग और विधानमंडल के सदस्यगण सब और हमारे जो राजकारणी के जो सदस्य हैं सब लोग उसमें भाग लेंगे। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, TRE3 के रोस्टर क्लियरेंस में अब नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल गया है। माध्यमिक और +2 का रोस्टर भी कल तक विभाग को मिल जाएगा। 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का रोस्टर मिला। कल शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ खुद बैठक करेंगे। दोपहर बाद TRE3 को लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक ACS करने वाले हैं। रोस्टर क्लियरेंस से लेकर रिजल्ट पर चर्चा होगी। कल क्रॉस चेक के बाद 8 अक्टूबर तक GAD को भेजा जाएगा ये रोस्टर और GAD से फिर आयोग को रोस्टर भेजा जाएगा। रोस्टर में देरी की वजह से अब रिजल्ट में 7 दिन हो सकती है देरी। HM और हेड टीचर का दुर्गा पूजा तक रिजल्ट जारी हो सकता है। TRE3 का रिजल्ट अब 25 से 31 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना है। पटना में दुर्गा पूजा के पंडाल में भीड़भाड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने पूजा पंडाल के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और पूजा पंडाल में अग्निशमन के मानक का पालन करने और सौहार्द के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि पंडालों में CCTV के जरिए नजर रखी जाएगी। 511 पुलिसकर्मी को हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है और गाइडलाइन को नहीं मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर हम लोगों ने बैठक बुलाई। ये बैठक ही बहुत ही सार्थक रहा और बैठक में जो आए हुए सारे पूजा पंडाल के अध्यक्ष और सचिव हैं, इन लोगों ने अपना अपना विचार रखा और इनके विचार के माध्यम से ये पता चला कि पूजा पंडाल में क्या क्या आवश्यकता है, किन किन जगहों को हम लोगों को गाड़ियों को प्री पोजिशनिंग करनी है और पंडाल में कौन कौन सी व्यवस्था करनी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये सब सहमति से हम लोगों ने ये निर्णय लिया
कि जो पूजा पंडाल है उससे संबंधित बहुत सारे खेल तमाशे होते हैं और उनको उन पर भी कड़ी नजर रखनी है। और देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार आपको डिजिटल माध्यम से भी खबर पहुंचा रहा है। यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक खबर जल्द से जल्द पहुंच सके। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।